यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर इसके बारे में पहले हमको नॉलेज नहीं था, क्योंकि उसमें थ्योरी पढ़े थे केवल। और यहाँ पे आए तो हमको पता चला कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और रिवर्स फॉरवर्ड बनाना, स्टार डेल्टा वगैरह सब बनाना हमको आएगा। पहले बार इसके बारे में हमको पता नहीं था कि कैसा दिखता भी कैसा है। हमको बस ये इतना कहना रहे कि जहाँ से भी हो, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी है, अब आके रह सकते हैं, या एक बार सर से कॉन्टेक्ट कर लें, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके यहाँ पे आके देख ले, डेमो क्लास कर देख ले, नहीं तो ऑनलाइन देख के अगर वो आ सकते तो आ जाइए। हेलो फ्रेंड, आज हमारे साथ हैं मिस्टर अखिलेश कुमार वाराणसी से। इन्होंने बीटेक किया है और स्किल्ड हिंदुस्तान को इन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो अखिलेश, थोड़ा सा प्लीज़ बताइए कि आपको स्किल्ड हिंदुस्तान ज्वाइन करके कैसा लगा? कितने दिन में आपने ज्वाइन कर लिया था? यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर इसके बारे में पहले हमको नॉलेज नहीं था, क्योंकि उसमें थ्योरी पढ़े थे केवल। और यहाँ पे आए तो हमको पता चला कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और रिवर्स फॉरवर्ड बनाना, स्टार डेल्टा वगैरह सब बनाना हमको आएगा। पहले बार इसके बारे में हमको पता नहीं था कि कैसा दिखता भी कैसा है, तो यहाँ पे आने के बाद हमको पता चला। और ये आपका जो वीडियो हम देखे थे सर, 2-3 महीने पहले देखे थे, उसी के थ्रू हमें लगा कि पहले कि ये आपका कोई इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं। फिर आप जब 2-3 बार वीडियो देखे तो पता चलना कि आपके कोर्स भी ना, यहाँ पे हम कॉल करके पता किए तो हमको बताया गया कि नया बैच हमारा जो 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो हम वहीं से करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिए थे घर से ही। तो अभी जैसे आपके सीनियर्स भी हैं यहाँ पर, जो भी पीछे आप मतलब आगे के स्टेप में इनका DGLT ट्रांसफॉर्मर और अगले 2-4 दिन में इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाएंगे, तो इनसे भी मतलब क्या आपको आउटपुट मिलता है कि कितनी लर्निंग मिल रही है, क्या है यहाँ ज्वाइन करके आपको क्या लगता है, मतलब एक अच्छा डिसीजन था या कैसा था? हाँ सर, मेरा जो डिसीजन था तो हमें लगा कि ठीक ही है, कर लेंगे, क्योंकि जो टेक्निकल नॉलेज होगा तो टेक्निकल फील्ड में जॉब मिलेगी। बिल्कुल, और इसलिए हम सोचे कि यहीं पे आके कर लें। तो कब के पास आउट हैं आप? मैं 2019-20 का हूँ। 2019-20 के पास आउट। तो अभी 2 साल फिर आप क्या कर रहे थे? कोविड में तो पहले घर पे ही थे, उसके बाद एक जॉब किए थे, पर वो क्वालिटी में थे, हम प्रोडक्शन में, क्वालिटी इंजीनियर पुणे में। ओके ठीक है। तो जो बाकी लोग हैं जिनके पास भाई नॉलेज नहीं है, डिग्री लेके बैठे हुए हैं और जॉब भी नहीं है, घूम रहे हैं या नॉन टेक्निकल जॉब कर रहे हैं, प्रोडक्शन में जॉब कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? वो उनको कहना चाहेंगे कि सर वो आके एक बार देख लें, डेमो क्लास देख लें, उसको अगर अच्छा लगेगा तो करिए फिर अपना। बिल्कुल, और एक चीज़ हम लोग बोलते हैं 100% जॉब प्लेसमेंट है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तुम्हें लगता है कि यहाँ सीखने के बाद जॉब मिल जाती है? हाँ, सीखने के बाद तो सर अपने से तो इंटरव्यू वगैरह हो जो निकाल लेंगे फिर। यहाँ पे जो बताते हैं, अभी कल ही एक लड़के का हुआ है हमारे सामने, तो हो जाएगा जहाँ पे जॉब। और जो गुड़गांव गए थे लड़के परसों, उन दोनों का भी हो गया है आज, सबके सब जितने ऑनलाइन वाले बच्चे थे वो सारे आज इंटरव्यू के लिए चले गए हैं, और शाम तक ही आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि भाई सब लोगों का सिलेक्शन हो गया है। तो यूपी वाराणसी या जो भी बाकी पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं जो देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? उनको बस ये इतना कहना रहे कि जहाँ से भी हो, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी है, अब आके रह सकते हैं, या एक बार सर से कॉन्टेक्ट कर लें, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके यहाँ पे आके देख लें, डेमो क्लास कर देख लें, नहीं तो ऑनलाइन देख के अगर वो आ सकते तो आ जाइए फिर यहाँ पे क्लास कर। तो कोई तुम्हें मतलब फ्रॉड जैसी कोई चीज़ लगती है? नहीं सर, हमको तो नहीं लगा के। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी देख रहे हैं, हमारा नया बैच जल्दी चालू होने वाला है और उसमें आपको ज्वाइन करना है तो इमीडिएट आप जो नीचे नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। जो चीज़ें एक एक चीज़ें बोली जाती हैं स्किल्ड हिंदुस्तान में, वो ऐसा नहीं है कि झूठ नहीं होंगी, सारी चीज़ें सही होंगी और सारी चीज़ें आपको अच्छी एक नॉलेज दी जाएगी। आपने बीटेक किया है, आप एक मैनेजर लेवल तक आप आराम से जा सकते हैं। वो कैसे जा सकते हैं? आप सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें करेंगे,
अपने आप को थोड़ा आप फास्ट लेके जाना चाहते हैं तो फास्ट लर्निंग हमें करनी पड़ेगी। जो एक्चुअल चीज़ें हैं कि एक इंजीनियर के लिए, एक मैनेजर के लिए क्या चाहिए, वो सारी आपको यहाँ पर ना एक टेक्नीशियन से लेकर मैनेजर तक के हम हर तरह के कोर्स कराते हैं। और जल्दी ही हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर उस छोटे शहर में, हर उस छोटे गांव तक हम लोग पहुँचें, हर उस गांव में ये नाम हो गया स्किल्ड हिंदुस्तान में हमने ज्वाइन किया था और हमारा सिलेक्शन हो गया है। अभी हम जल्दी ही दिल्ली NCR के साथ साथ मुंबई, कोलकाता और अलग अलग जितने भी महानगर हैं, बड़े सिटीज हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को जॉब प्लेसमेंट जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो भी मतलब देख रहे हैं जल्दी ज्वाइन करें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।